वेलकम टू एट फोलियो और आज हम बात करेंगे आईटीआर 5 के शेड्यूल बिजनेस प्रोफेशन। हमने क्लिक किया शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एड डिटेल्स और ये जो प्रॉफिट आएगा एक नंबर पर ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और ये क्रेडिट साइड का है इनकम ऑब्लिक रिसीव्स क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ए फॉर बी फॉर सी इनकम क्रेडिट टू प्रॉफिट अकाउंट विच इज एग्जेम्प्ट। 7 नंबर पर है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिडर्ड अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स अदर सोर्सेस। 11 नंबर पर है डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट अकाउंट ये प्रॉफिट अकाउंट से ऑटोमेटिकली 11 नंबर पर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट ये आएगा डी ईपी के शेड्यूल से अपने आप कंटिन्यू और ये है जो डेटा अदर इंफॉर्मेशन के शेड्यूल से आता है। अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट डिस अलाउबल अंडर सेक्शन 36 और वहां पर था ओआई के 6 नंबर पर तभी लिखा हुआ है 60 ऑफ पार्ट ए ओआई अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट डिस अलाउबल अंडर सेक्शन 37 और ये है ओआई के 7 नंबर पर जो शेड्यूल है ओआई का वहां पर 7J अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट अकाउंट टू द एक्सटेंट डिस अलाउबल अंडर सेक्शन 40 ओआई के शेड्यूल में 8 कैपिटल ए और जे अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट अकाउंट टू द एक्सटेंट डिस अलाउबल अंडर सेक्शन 40 कैपिटल ए वहां पर हमने 9 नंबर किया था ओआई में 9 का जी एनी अमाउंट डेबिटेड टू प्रोफिट अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर बट डिस अलाउबल अंडर सेक्शन 43B ओआई के शेड्यूल में था 11 पर और टोटल था 11H हमने किया इसको कंटिन्यू और ये आ गया जो हमने उल्टे की बात की थी रिवर्स की बात की थी जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। एनी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लेकिन इस साल वो अलाउ हो गया जो हमारा ओआई का शेड्यूल था वहां पर 8 कैपिटल बी जो है जो हमने सीधा अमाउंट लिखा था उसके बाद हमने 11 में डिसअलाउ किया था 10 में उसका उल्टा था। एनी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बट इस साल वो अलाउ हो गया ओ आई के शेड्यूल में 10H 8B का उल्टा वहां 8 कैपिटल ए है जो 10H है इसका उल्टा 11 नंबर पर है ओ आई के शेड्यूल में हमने किया 8A डिटेल्स यहां पर है 8 कैपिटल ए एच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन और रमीशन पेड टू एनी पार्टनर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो यहां पर हम लिखते हैं ओ आई के और ये चला गया फिर बीपी के अंदर ये देखिए 8J 8 का ए जे 60 नंबर पर ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर्स में अब हम करेंगे प्रैक्टिकल केस स्टडीज और हम पहले लेंगे डॉक्टर वी के सिंघानिया की बुक से 65th एडिशन अगस्त 2021 और केस लेंगे हम उस बुक में है केस नंबर 21 और हम इस केस का नंबर रखेंगे 5
01, जिससे आपको लगे ये ITR 5 पर है। जो हमारे ITR 3 पर केसेस हैं, हमने उसमें केस नंबर लिखा है 301, 302, 303, 304, 305, 306। जो हमारा ITR 1 पर है, हमने उसका नंबर रखा है 101। जो ITR 2 पर है, उसका नंबर रखा है 201। और जो ITR 4 पर है, उसका केस नंबर रखा है 4। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।